खमगड़ी आज हम बना रहे हैं राजस्थानी गट्टा करी। चलिए बनाते हैं। एक चम्मच धनिया और ठीक इतना ही हम लेंगे जीरा और इसे क्रश कर लेना है। ले रहे हैं 200 ग्राम बेसन, मिलाते हैं स्वाद अनुसार नमक 1/4 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर और धनिया जीरा जिसे हमने क्रश किया है। गट्टा बनाने के लिए दही का इस्तेमाल होता है, मैं ले रहा हूँ फेटी हुई दही, ये हम लेंगे 1.5 चम्मच और साथ में देसी घी 1 चम्मच। चलिए बनाते हैं गट्टा। यहाँ पे हम थोड़ी सी दही और मिलाएंगे। हम पानी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहे हैं और दही से ही हम गूंथेंगे गट्टे को, और गट्टे को इस तरीके से हाथ की सहायता से अच्छे तरीके से रब करना है, इससे सॉफ्टनेस आती है। हल्का सा बेसन या घी लेके अपने उंगलियों पे लगाइए और इससे ये जो लगा हुआ है सब छूट जाएगा। अब ऊपर से एक गीला कपड़ा लगा के इसे कम से कम 20 से 25 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। गैस पे पानी चढ़ा देंगे और पानी तकरीबन हमने लिया है 750 ml से 800 ml के आसपास। कपड़ा हटाते हैं और बनाते हैं गट्टा। अब हाथ में अच्छे से घी को रब कर लीजिए, छोटे छोटे बॉल काटेंगे और इसे अब हमें रोल करना है। टेबल टॉप पे अच्छे से रोल करेंगे, धीरे धीरे करके जाना है और इसे उंगलियों की सहायता से अच्छे तरीके से लंबा करना है, सिलेंड्रिकल शेप देना है इसे, और इस तरीके से हमें अपने सारे गट्टे बना लेने हैं। पानी में उबाल आ गया है, अब धीरे धीरे करके हम अपने गट्टा को छोड़ देंगे। लगाते हैं ढक्कन और कम से कम 12 से 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और आंच को हम उबाल आने के बाद मीडियम कर देंगे। ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए गट्टा हमारा बनके तैयार है, इसे बाहर निकाल लेंगे। और निकालने के लिए हम एक प्लेट ले रहे हैं और यहाँ पे अगर गट्टा टूट जाए कोई बात नहीं, पानी को हम संभाल के रखेंगे और इसका इस्तेमाल करी में किया जाएगा और गट्टा को थोड़ा सा हल्का ठंडा होने देते हैं। चॉपिंग बोर्ड पे अब गट्टा को काट लेंगे, छोटे छोटे क्वाइंस में हमें गट्टे को काट लेना है। और ये देखिए गट्टा हमारा सॉफ्ट। एक कढ़ाई में लेना है घी और घी को गर्म करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके गट्टे को फ्राई कर लेंगे। दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो गट्टे को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है तो 12 से 15 मिनट काफ़ी होगा, और दूसरा यहाँ पे जब हम गट्टे को तल रहे हैं तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं तलना, बस गट्टे में कलर आ जाए और हम गट्टे को बाहर निकाल देंगे। गट्टा फ्राई हो गया है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। सुनहरा बिस्किट कलर आप देख रहे होंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना। करी के लिए एक पेस्ट बनाएंगे। ले रहा हूँ कटा हुआ प्याज 120 ग्राम, 25 ग्राम लहसुन, 15 ग्राम अदरक, मिलाते हैं थोड़ा सा पानी और बनाते हैं इसका एक पेस्ट। अब एक बॉल में पेस्ट को निकाल देंगे, मिलाते हैं एक छोटा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये हम ले रहे हैं 1.5 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा, मिलाएंगे दही और दही हम ले रहे हैं 200 ग्राम और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हमारा घोल बनके तैयार है। सेम इसी घी में डालेंगे मिर्ची और हमने घी को कम कर लिया है यहाँ पे क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं करी, तलने के लिए हमने ज़्यादा डाला था। धनिया और जीरा जिसे हमने कूटा था थोड़ा सा बचाया था हमने, उसे मिलाते हैं और इसके बाद मिला देंगे पेस्ट। एक डायरेक्शन में चला लेंगे, दही डला है एक डायरेक्शन में, हमें तब तक उबालना है जब तक उबाल ना आ जाए, छोड़ना नहीं है नहीं तो दही फट सकती है। आप देख सकते हैं उबाल आ गया है और अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर रहे हैं और इसे तब तक पकाएंगे जब तक मसाला पूरी तरह से सूख ना जाए। अब बीच बीच में चलाते रहिएगा, छोड़ना नहीं है। ढक्कन हटाते हैं और अब हम डाल देंगे यहाँ पे गट्टा।
और गट्टे को अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिलाते हैं और 3 से 4 मिनट तक भूनते हैं। अब यहाँ पे हम मिला देंगे गट्टा का पानी जिसमें हमने गट्टे को उबाला था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस घी में हमने गट्टे को फ्राई किया है उस घी का इस्तेमाल करेंगे और उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें गट्टा को हमने उबाला है। और ये देखिए रंगत देखने में कितना प्यारा दिख रहा है। अब आपने ढक्कन लगाना है और पकने देना है। अब हम पकाएंगे गट्टा को कम से कम 8 से 10 मिनट तक। ढक्कन हटाते हैं, स्वाद अनुसार नमक, ढक्कन लगाते हैं 2 से 4 मिनट तक और पकाते हैं। अच्छे से ढबक गया, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और गट्टा करी बन के तैयार है। इसे सर्व करते हैं। और गट्टा करी को आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, सोगरा के साथ, चावल के साथ, पुलाव के साथ। उम्मीद करता हूँ गट्टा करी की यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हम आपके लिए अलग अलग रेसिपियाँ लेके आते रहेंगे। और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपको आता है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से बसवनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।